दोस्तों, हसनापुर अपने आप में ही एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि हसनापुर का जो इतिहास है, बच्चा बच्चा जानता है कि हसनापुर में क्या हुआ था। मतलब कि हसनापुर की वजह से कितना बड़ा युद्ध हो चुका था, ये सभी जानते हैं। तो आज का व्लॉग हसनापुर के पांडेश्वर टेम्पल का होने वाला है, जो सदियों पुराना पांडेश्वर टेम्पल है, जहाँ पर पांडव जल चढ़ाया करते थे महादेव के शिवलिंग को। वो शिवलिंग घिस चुका है, उसका वीडियो इनसाइड मैंने आपको दिखा रखा है, लेकिन बाहर से ही हम दर्शन करने वाले हैं। तो मैं अभी उसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर पांडेश्वर टेम्पल है। ये पांडव टीला है, कई बार मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो अभी इससे आगे जाने वाले हैं हम पांडेश्वर टेम्पल की ओर। रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मजा आने वाला है। एक ऐसा मंदिर जो काफी सदियों पुराना है, कई हजार साल पुराना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये है हसनापुर का पांडेश्वर टेम्पल, जिसके अंदर सदियों पुराना शिवलिंग रखा हुआ है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं बरगद का, ये भी काफी पुराना है। हसनापुर के पांडेश्वर टेम्पल के पास में ही माता जयंती का यहाँ पर टेम्पल बना हुआ है, जो पांडव टीले के ऊपर बना हुआ है। उसके भी दर्शन आप करके जाएं अगर आते हैं तो। ये रास्ता है पांडेश्वर टेम्पल के साथ में ही लगा हुआ है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर है, जो पांडवों की कुलदेवी हुआ करती थी, उनका मंदिर बना हुआ है। और ये है पांडेश्वर टेम्पल, अंदर इसमें शिवलिंग रखा हुआ है काफ़ी पुराना, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है। तो चलिए इस टेम्पल को चारों तरफ से देख लेते हैं। ये मंदिर को चारों तरफ से चार दीवारी से बनाया हुआ है, और ये जो चार दीवारी हैं बिल्कुल एक ऐसी हैं जैसे जो पुराने महल हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो उस तरीके से ही ये दीवारें बनाई गई हैं। और चारों तरफ ये छोटे छोटे टेंपल भी बने हुए हैं ऊपर, जो मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। पांडेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के बाद उसी के साथ में एक रास्ता है छोटा सा, ये आगे जाके विदुर टीले की तरफ जा रहा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और विदुर जी एक साथ रुके थे। तो अगर आ रहे हो तो इस प्लेस के भी दर्शन करके जाना आगे, क्योंकि यहाँ से ही लोग वापस चले जाते हैं, आगे का उन्हें मालूम नहीं रहता, मैं इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में। चलिए हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और ये इनसाइड व्यू मैंने आपको दिखाई दिया, वरना वीडियो इसका ऑलरेडी चैनल पर है। अंदर जो मंदिर है, शिवलिंग है, उसको भी देख सकते हैं आप, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाकर के। और ये यहाँ पर कुआं बना हुआ है, और इसकी गहराई इतनी है कि आप माप नहीं सकते। तो कोनों पर ये बने हुए जो मंदिर हैं छोटे छोटे, इनमें कभी गुफाएं हुआ करती थी, ये आप देख पा रहे होंगे उस तरीके, लेकिन ये अब ये बंद हो चुकी हैं, बंद कर दी गई हैं।
तो चलिए दोस्तों, जो भी पांडेश्वर टेम्पल का लेखा जोखा था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, आपने अच्छी तरीके से देख भी लिया होगा। आप आए तो ये प्लेस विजिट करके जाना, आगे विदु टीला उसे को भी विजिट करके जाना, पांडव टीला है, साथ में जयंती माता का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है ऊपर, वो भी आपको देख करके जाना है। तो चलिए जल्द मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।